यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। और मैं कमल कौशिक। आज हरियाणा की शिक्षा के हालात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि दसवीं जो कक्षा है उसका परिणाम घोषित किया गया है। ये कितना ठीक है, कितना अपेक्षित है और कितना सुधार किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, कछुए की चाल से जो पास होने की फीसदी है वो रिजल्ट चल रहा है। और अब की बार की बात करें तो 51.15% ही बच्चे पास हुए हैं दसवीं कक्षा की बात करें। और इसके अलावा आप पिछले साल की बात करें तो उसमें भी कुछ ज्यादा बढ़ोतरी इस साल देखने को नहीं मिली है। और यही बड़ा सवाल है कि क्यों शिक्षा का स्तर एकदम से बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है, कछुए की चाल क्यों चल रहा है। बिल्कुल, इसी को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि जो आंकड़ा है क्या वो जितनी कोशिशें की जाती हैं, जितने दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि देखिए काम कर रही है, काम किया जा रहा है, सुधार भी किया जा रहा है और सुधार नजर भी आ रहा है, तो हर साल जो परीक्षा परिणाम आते हैं उनमें ये सुधार नजर क्यों नहीं आता। और बारहवीं परीक्षा के जो परिणाम सामने आए थे उसमें खास बात ये रही कि जो ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे हैं उन्होंने तुलनात्मक रूप से बेहतर किया है। वही चीजें निकलकर दसवीं कक्षा का जो परिणाम आया है उसमें सामने आई है। क्या जो सरकारी स्कूल है उनमें थोड़ा बेहतर और किया जाए, बाकुल एक माकूल दिया जाए, जहां टीचर्स की कमी है, जहां इमारतों को लेकर दिक्कतें परेशानियां हैं वो दूर की जाए, तो क्या अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर पाएंगे ग्रामीण इलाकों में। एक बड़ी बात ये भी सामने आती है निकलकर रिजल्ट को लेकर, खासकर कि जब ये रिजल्ट सामने आते हैं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की तुलना हम करते हैं तो प्राइवेट स्कूल ज्यादा आगे होते दिखाई देते हैं। इसके पीछे की वजह जो सरकार है या शिक्षा विभाग है उसको देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार जो है तमाम तरह की सुविधाएं देने के दावे करती है सरकारी स्कूल में, लेकिन बावजूद इसके इसका असर जो है वो शिक्षा के रिजल्ट पर क्यों नहीं पड़ता दिखाई देता, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, और खास बात एक बार फिर से वही रही है, वही इतिहास ने अपने आप को दोहराया है, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात होती है लड़कियां लड़कों से बेहतर नजर आती हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने साबित किया है कि वो किसी भी लिहाज से लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां दसवीं के परीक्षा परिणाम में लड़कों से आगे रखी है, लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। दसवीं और बारहवीं दोनों के अगर रिजल्ट देखें तो वाकई में लड़कियों ने ही बाजी मारी है, जबकि जो लड़के हैं वो पिछड़ते हुए नजर आए हैं छात्राओं से। और अब की बार अगर देखें बारहवीं और दसवीं के दोनों के रिजल्ट, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे कि मेरे सहयोगी ज्योति ने भी कहा कि वो काफी आगे दिखाई दिए हैं, तो एक सवाल ये भी सामने आता है कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेशक जो प्राइवेट स्कूल है उससे पीछे हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो है सुविधाओं का अभाव है, फिर भी जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो एक अच्छा परिणाम अपने आप में दिखा रहे हैं और उसका भी फायदा उनको आने वाले समय में होगा। तो बिल्कुल, कैसा है परीक्षा का परिणाम, कितना काम किया गया, कितना काम किए जाने की गुंजाइश है, कितना काम किए जाने की उम्मीद है और क्या क्या विकल्प सरकार के सामने हो सकते हैं कि परीक्षा परिणाम पिछले साल की तुलना में अगले साल बेहतर आए, उसके लिए सरकार को कितने कदम उठाने की जरूरत है। खास पैनल मेरे साथ है जिसके साथ चर्चा हम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस से राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनेलोसी प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सभी का इस चर्चा में। अत्री साहब, क्या कहा जाए इस आंकड़े को देखकर, क्या अपेक्षाओं के अनुरूप ही रिजल्ट परीक्षा परिणाम। देखिए ज्योति, हालांकि प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये हम पिछले 7-8 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर बार जब भी चाहे दसवीं क्लास के रिजल्ट की बात करें, बारहवीं क्लास के रिजल्ट की बात करें, तो एक चीज सामने आती है कि जिस तरह का शिक्षा का स्तर होना चाहिए प्रदेश में, बजाय वैसा स्तर बनने के वो गिरावट की तरफ लगातार जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी दसवीं क्लास का शिक्षा का जैसे परिणाम आए हैं, 2-3 दिन पहले बारहवीं क्लास के शिक्षा के परिणाम आए थे। अगर हम 12वीं क्लास के शिक्षा के परिणाम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं पंचकुला जिले की बात कर रहा हूं, क्योंकि पंचकुला जिले के अंदर थापली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप हैरान होंगे जान के मात्र 0% वहां का रिजल्ट है। कोटी एक स्कूल है गांव के अंदर, कोटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वहां का पास प्रतिशत है मात्र 17.43। इसी तरह से रायपुर रानी में ठियोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका पास प्रतिशत है मात्र 13.79। इसी तरह से एक रैना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रायपुर रानी में ही पास प्रतिशत है 22। इस तरह से अगर हम सुधर भी रहा है ऐसा भी हम नजरअंदाज देखिए, उसके बारे में कमल एक चीज बताता हूँ। अगर हम दसवीं क्लास की बात करते हैं, अगर आप 2017 की बात करें और बॉयज की मैं बात करता हूँ, 2017 में अगर 55.03
प्रतिशत था तो आज 2018 में वो मात्र 47.61% रह गया है मैट्रिक के अंदर। अगर मैं 12वीं के बच्चों की बात करता हूं तो बॉयज जो 57.18% था वो घट के अब की बार 57.10% रह गया। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में गिरावट आई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक चीज को आप ध्यान दीजिए, पिछली बार क्या किया था हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने, ग्रेस मार्क्स देके बच्चों के रिजल्ट में सुधार की कोशिश की थी, लेकिन वो बात क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब ग्रेस मार्क्स दिए गए तो वो चर्चा का विषय बना था। अब की बार भी हरियाणा जानने की कोशिश कर रहे हैं, भी जान लेते हैं। संजय शर्मा जी, रिजल्ट को देखकर आप क्या कहेंगे कि जैसा कि अत्रे साहब कह रहे हैं कि क्या शिक्षा के स्तर में गिरावट देखने को मिली है इन रिजल्ट को लेकर, या सुधार हुआ है? देखिए कमल, मैं ये दावा नहीं करता कि एकदम सब चीजें ठीक हो गई हैं जी, लेकिन पिछली सरकारों के समय जो जिस तरह से रिजल्ट बनाया जाता था और किसी भी विद्यार्थी को फेल ना करना, इस तरह की जो नीति थी, उस नीति का परिणाम ये हुआ कि अब जो 10वीं तक विद्यार्थी आए हैं वो ऐसे विद्यार्थी पिछली क्लासों में प्रमोट कर दिए। किस सरकार की नीति की बात करें आप, कौन सी सरकार की? मैं कांग्रेस सरकार की नीति की समय की बात कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस की सरकार की 2014 तक की बोर्ड की परीक्षाओं को खत्म किया गया 10वीं से पहले। अभी संजय शर्मा जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि जो पास प्रतिशत का आंकड़ा है, क्या सरकार को काफी लगता है या ना काफी है? नहीं, हमारी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप अगर तुलना करोगे, तुलनात्मक पिछले 3 सालों से सुधार उसमें हो रहा है। 2016 में 48.8 था, 17 में 50.49 था, और इस बार 51.6% है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ये है नी, एक साल में 0.6 का आंकड़ा बढ़ा है सर, एक साल में बढ़ा है, 0.6 पॉइंट नहीं ज्यादा बढ़ा है, 1% के आसपास। 50 पॉइंट कुछ था सर, 50 पॉइंट अब कुछ आगे है, 0.6 का ही है सर। उसका कारण मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो विद्यार्थियों में ना पढ़ने की आदत जो डाली गई थी, अच्छा। और विद्यार्थी जो है वो शिक्षा के प्रति उदासीन था, अध्यापकों को भी जवाबदेही तय नहीं थी, उसके कारण से विद्यार्थी जो जिस तरह से प्रमोट हुए और 10वीं तक जो पहुंचे वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नीचे से ऐसे प्रमोट कर दिया गया। शर्मा जी, कैसा है ये परीक्षा परिणाम, आपको क्या लगता है? हालांकि संजय शर्मा जी की ओर से कहा कि बच्चों की पढ़ने की आदत तो आप लोगों ने ही खराब कर दी। कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बच्चों ने टॉप किया, IIT में गए, इंजीनियरिंग में गए। अब संजय जी ने तो ये बात कह दी कि उन्होंने पढ़ने की आदत बिगाड़ दी। सरकार बनने के बाद भी इसी पैनल पे काम किया इन्होंने, फिर इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम को बंद करके ईडीए में किया, फिर दोबारा शो किया। जब ये ना तो टीचर्स को पता भी हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, और ना ही स्टूडेंट्स को पता भी हम क्या पढ़े। जब स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें क्लियरेंस ही नहीं है जो किस पैनल पे पढ़े, तो वो कहाँ से नंबर आएंगे? और रही बात है 0.6, अभी कमल जी ने बताया कि बड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने शिक्षा में वो कर दिया, तो रिजल्ट को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कुछ किया होगा। इस तरह से भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि शिक्षा में सुधार की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग सरकार में रखे, आप लोगों ने कितना बेहतर किया या फिर कितना बेहतर आप लोग बीजेपी को देकर गए सरकारी स्कूलों के हालात, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के टाइम में सभी स्कूल में टीचर प्रॉपर थे और बच्चों ने मेहनत की, रिजल्ट भी बढ़िया, यानी शिक्षकों की कमी नहीं थी, आप ये कहते हैं? हाँ। तो आज कैसे कमी हो जाती है सर? आज कमी नहीं है, लेकिन शिक्षक क्या कर्मचारी के आज सारे हड़ताल पे हैं, पिछले 4 साल से सारे टीचर हड़ताल कर रहे हैं। अभी कमी है सर, 50,000 टीचर्स की कमी है, करीब 50,000 आप कहते हैं टीचर्स की कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कितनी भर्ती की इन्होंने 4 साल में? देखिए एक चीज मैं बताऊं, शायद राकेश जी को डाटा का थोड़ा सा मुझे लगता है अभी नहीं ज्ञान है। कारण यह है कि जब गीता बुक्कल एजुकेशन मिनिस्टर होती थी 2013-14 की बात है, एक चर्चा मेरी चैनल पे उनके साथ हुई थी उस वक्त, और हैरानी इस वक्त ये थी कि जो 2013-14 का सेशन था स्कूल्स का, उसके अंदर 15 स्कूल्स तो हरियाणा में ऐसे थे जिनका रिजल्ट ही 0% था। और ये देख के जब मैंने गीता बुक्कल जी से इस बारे में सवाल पूछा, मुझे आज भी याद है, उनके पास एक सही जवाब इस बात का नहीं था कि राइट टू एजुकेशन जो आप लेके आए, उस राइट टू एजुकेशन का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव आया या नकारात्मक आया। हालांकि संजय जी ने इस बात का जिक्र किया और मैं भी इस बात को कहूंगा कि राइट टू एजुकेशन जब आया था उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी और सवालों के घेरे में था, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव आया था। लेकिन अगर आज सरकार ये बात करती है 4 साल के बाद कि राइट टू एजुकेशन का इफेक्ट है कि बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम होना, मैं इस बात को सही नहीं मानता, क्योंकि 4 साल आपके पास थे, आप 4 साल में बहुत बेहतर कर सकते।
सकते थे, आपने वो नहीं किया, उसका कारण सबसे बड़ा बताता हूं। और खास बात ये है कि अगर बच्चों की प्रवृत्ति पे ही डिपेंड करता है तो जो बच्चे टॉप करते हैं उनके आंकड़े को लेकर, उनके नंबर को लेकर सरकार क्रेडिट कैसे ले सकती है कि ग्रामीण अंचल की लड़की ने बेटी ने टॉप किया है तो उसके लिए सरकार ने अच्छा किया। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार ये बचने की कोशिश कर रही है। देखिए हालात इस वक्त आपने भी देखा ज्योति, पिछले 4 साल से लगातार ऐसे हालात बने कि स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सबसे ज्यादा अगर टीचर्स की कमी है तो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के अंदर इस वक्त जो है आज की स्थिति जो है। और अभी बात चल रही थी 2015 के भी आंकड़े देखें तो उनका कंपैरिजन आप करेंगे 41.28 था और अब जो है 51.15% पहुंच चुका है। क्या आप इनको कहेंगे कुछ तो पॉजिटिवनेस आई होगी? देखिए पिछले साल के कंपैरिजन बहुत कम है। इसको भी अगर हम डिटेल में जाके देखेंगे दो तरह से इसको हमें बांटना पड़ेगा, पहला तो वो जो सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट है, दूसरा वो जो प्राइवेट स्कूल उनको अगर आप जब डिवाइड करके देखेंगे फिर उसको बॉयज और गर्ल्स में जैसे डिवाइड करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज समझ में आएगी कि रिजल्ट बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं फेस वॉश, देखिए फेस सेविंग की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है, कल रामविलास शर्मा जी ने भी कोशिश की किसी तरह फेस सेविंग करने की, वरना सच्चाई ये है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, आज ही समाचार पत्रों के अंदर था कि कंप्यूटर टीचर कल से पंचकुला धरने पे बैठने वाले हैं, हरियाणा कॉलेजेस टीचर जो है वो कल ज्ञापन देने वाले हैं। तो जब इस तरह के हालात टीचर्स के हो, टीचर्स धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो, सड़कों पे बैठने को मजबूर हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती है, वो हम देख रहे हैं लगातार। जादौन साहब, क्या हरियाणा जैसे राज्य में ये बेहद मुश्किल है कि परीक्षा परिणाम अच्छे आए खासतौर पर सरकारी स्कूलों के? देखिए शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी है कि एक दिन में ना तो उसमें गिरावट आ सकती और ना एक दिन में उसमें सुधार आ सकता है। ठीक है, आज जो गिरावट देखने को मिल रही है पिछली सरकारों के की जो नीतियां हैं और उनके जो कार्य करने के तरीके थे वो उसी का परिणाम है। इस सरकार ने मैं समझता हूँ कि कुछ सुधार का प्रयास किया है कि कुछ समथिंग पॉइंट सम परसेंट जो है रिजल्ट में सुधार हुआ है तो हम ये क्रेडिट दे सकते हैं सरकार को कि उसने कुछ सुधार का प्रयास किया। क्या वो काफी है? सबसे बड़ा कारण तो ये है था सर, जाधव साहब जितना जनादेश दिया गया था, जितनी उम्मीदें की गई थी, अच्छे दिनों की भी बातें हुई थी, क्या उम्मीदों के अनुरूप है? जितना अपेक्षित था उतना है? देखिए उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, हरियाणा की बहुत छवि खराब है। और ये मुझे लगता है कि ये जो गो अहेड वाली पॉलिसी थी कि एट्थ क्लास में पास होना जरूरी नहीं और आगे निकल जाओ, उसका भी परिणाम है। क्योंकि एजुकेशन में अगर प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन मजबूत नहीं होगी तो आगे कॉलेज के लेवल पर भी आप सफल नहीं हो सकते। और हाल ये था कि दिल्ली की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अपने कॉलेजेस में हरियाणा के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। ये स्थिति है। अब ये देखने की बात नहीं कि सरकारें एक तरफ तो बड़ा जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है पढ़ी लिखी पंचायतें बना दी और पंचायतों में सरपंच और पंचायत राज के प्रतिनिधि पढ़े लिखे चुने गए हैं, लेकिन देखिए कि शिक्षा का स्तर क्या है, किस लेवल पर वो चल रही है आपके यहाँ शिक्षा। उसमें तमाम जो है टीचर्स के पद खाली चल रहे हैं, ढांचा के सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पढ़ाने का तरीका भी देखा जाना चाहिए। पढ़ाने का तरीका भी है और कुछ कमियां भी हैं। इसमें सुधार के लिए एक चीज मैं बताऊं, एक मिनट राजेंद्र जी, ऐसे हालात भी हरियाणा स्कूलों में देखने को मिले हैं कि साइंस का टीचर है लेकिन उसको मजबूरन हिस्ट्री पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि हिस्ट्री का टीचर स्कूल में नहीं है और टीचर का ऐसे टीचर से एडमिनिस्ट्रेटिव काम लिए जा रहे हैं। टीचर का काम पढ़ाई कर पढ़ाने का है लेकिन उससे एडमिनिस्ट्रेशन का काम लिए जा रहे हैं। मैंने अभी देखे थे कुछ ही देर पहले की बात कर लूं, इस डिबेट से पहले की बात कर लूं, 52,000 पद खाली हैं सर सेक्शनल स्टाफ में 2018 की बात कर रहा हूं सर। नहीं, अगर आप उस तरह से देखोगे तो इतने पद आपको खाली दिखेंगे, लेकिन देश में हरियाणा एक पहला राज्य हो गया है जहां पर सबसे अध्यापक और छात्रों का अनुपात है वो सबसे बेहतर है, यानी कि देश के अंदर जो है वो 30 बच्चों का पर एक अध्यापक है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप देखोगे 25 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है। चलिए आप जवाब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, माफी के साथ रोकूंगी, अत्री साहब आएंगे आपके पास भी, सर जवाब दीजिएगा, विस्तार से जवाब दीजिएगा, सवाल भी कीजिएगा। अभी ललित तिवारी जी है हमारे साथ, शिक्षक जुड़े हैं फोन लाइन पर। तिवारी जी, क्या दिक्कत लगती है जब शिक्षा के नाम पर बजट भी अच्छा खासा दिया जाता है, सरकार दावे भी करती है कि हम काम कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन जो परीक्षा परिणाम आते हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं कि काम करने की बेहद गुंजाइश है? तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी परीक्षा, ये परीक्षा परिणाम आए हैं, ये कैसे लगते हैं आपको एक टीचर के बतौर नाते? एज ए टीचर तो मुझे ये लगता है कि जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस होता है वो बच्चों की एजुकेशन के कारण ही आया हुआ होता है। बच्चों ने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा, इसमें एक सरकार का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चों को टीचर्स प्रोवाइड करें। वो मुझे लगता है कि सरकार अपना काम करती है, लेकिन जब बच्चों के ऊपर से ये कुछ हट जाएगा कि उन्हें पास होना है या फेल होना है, उसके उनके जो बेसिक्स हैं प्राइमरी से लेके एक नई नीति की बात करें,
आप ये बताइए सर, आपने कहा कि बच्चों पे ही डिपेंड करता है, सरकार की प्रवक्ता भी यही कहते हैं कि बच्चों की पढ़ने की आदत छूट गई है इसलिए परीक्षा परिणाम अच्छा रही। तिवारी जी सुन लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। आपने कहा कि बच्चों पे ही डिपेंड करता है, तो सर सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? सरकार जिन टीचर्स को मोटी तनख्वाह दे रखी है उनकी जिम्मेदारी क्या है? अगर बच्चों पे ही डिपेंड करता है तो बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ेंगे? नहीं 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 नहीं, आपको ये लगता है कि बच्चे घर बैठ के पढ़ेंगे? बच्चे को पढ़ाया जाएगा, बच्चे के अंदर एक मोटिवेशनल फैक्टर आएगा कि मुझे ये गोल अचीव करना है। उसे गोल अचीव करने की हैबिट नहीं है, तो हैबिट गोल अचीव करने की हैबिट पैरेलल चलेगी। इसके लिए आप कह रही नई पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को किसी तरह की? टीचर देखिए, एक चीज तो मैं पहली बात कहूंगा, अभी संजय जी ने एक बात कही, उन्होंने माना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापकों की कमी है, लेकिन साथ ही वो ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अनुपात जो है कि 25 बच्चों पे एक अध्यापक, वो अनुपात देश में सबसे बेहतर है। अब समझने की चीज है, जब आपके पास टीचर नहीं है ये बात आप मान रहे हैं, तो फिर ये अनुपात बेहतर कैसे हो गया? इसका कारण मैं बता देता हूं कि आज हालात ये है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी ना होने की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं सरकारी स्कूल की बनिस्बत प्राइवेट स्कूल में। अब संजय जी अगर इस बात को लेकर अपनी थपथपा रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों थपथपा रहे हैं। इतने ही स्कूल ऐसे रखे बच्चों के नाने के चलते जिनको एक ही इमारत में दो तीन गांव के स्कूलों को शिफ्ट किया गया, कुछ स्कूलों को बंद भी इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। बिल्कुल। और एक और चीज है, देखिए अब पिछले सीजन में क्या हुआ, पिछले सीजन में क्या था कि सिलेबस जो है, आपकी सिलेबस की बुक्स जो है लगभग आधा सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी बच्चों के पास किताब नहीं है क्योंकि किताब उनको प्रोवाइड नहीं हुई है। इस तरह के हालात हो रहे हैं। एक सीधा सा सवाल ये है, क्या ये नया है? क्या ये बीजेपी सरकार में ही हुआ है? देखिए ज्योति, इनेलो सरकार के दौरान नहीं था क्या? उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। देखिए मैं बताता हूं, देखिए आज मैं अगर अपनी सरकार की बात करूंगा तो मैं आपको पैमाना दूंगा उस वक्त के रिजल्ट का, क्योंकि आज की डेट में तो रिजल्ट ही एक पैमाना है। आप हमारे टाइम के अंदर 10वीं का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, 69% अगर पास प्रतिशत आता है तो आप उसको क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये बात भी मानता हूं कि जब राइट टू एजुकेशन आया, सरकार है उन्होंने बच्चों को ये आदत डाल रखी थी कि आप इसी तरह से पढ़े। देखिए राइट टू एजुकेशन की वजह से कमल इफेक्ट आया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइट टू एजुकेशन एक गलत स्टेप था जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा पे असर पड़ा। लेकिन आज अगर सरकार 4 साल बाद ये बात कहे कि राइट टू एजुकेशन की वजह से हम बेहतर पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश है। 4 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सारा ठीकरा फोड़ना सरकार पर सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी जो है उन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तस्वीर भी हमने खुद देखी थी इसी चैनल के माध्यम से, खबर अब तक पर हमने दर्शकों को भी दिखाई थी कि कुछ टीचर्स जो है बच्चों से बर्तन धुलवाते हैं, शिक्षक जो है स्कूल में सोते। शिक्षा मंत्री है हमारे साथ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में। रामविलास शर्मा जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। अभी जो 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है सर, आपको क्या लगता है, क्या वो काफी है? एक मंत्री होने के नाते विभाग के आपकी उम्मीदों के अनुरूप है, काफी है? नहीं, वो काफी तो नहीं है, हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, परंतु मैडम हमने एक जी हमसे पहले जो सरकारें थी वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में ग्रेस मार्क के नाम पर 25 नंबर एग्रीगेट में 30 नंबर, हमने सरकार आते ही वो प्रथा बंद कर दी और हमने कहा कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो दिखाएंगे, और उसके कारण प्लस टू का रिजल्ट लगभग 64% आया और दसवीं का 51.15% आया जी। राजकीय विद्यालय की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अंबाला की घटना आपके नोटिस में है जी, पंचकुला में सार्थक विद्यालय की जो दाखिले की लाइन है, ये हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसको हम लगातार। शर्मा जी आप कह रहे हैं संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको, जो आपने नकल में सख्ती की थी काफी देखने को मिला, प्रशासन भी सख्त था, शिक्षा विभाग भी सख्त था, क्या उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि 0.6 का ही जो है बढ़ोतरी देखी गई है परिणामों में? देखिए नकल एक बहुत बड़ा रोग था, इस बार भी हमने नकल रोकने का हर संभव प्रयास किया, लगभग 5,000 बच्चों पर ये केसेस बने और कई जो परीक्षा केंद्र थे वो हमको बंद करने पड़े। अब लोगों में एक धारणा बन गई है कि अब हरियाणा में नकल नहीं हो सके जी। जी मैं एक बात में पूछना चाहूंगा, देखिए
लेकिन आप बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी उन्होंने बात की कि हमने ग्रेस मार्क्स जो है उसको खत्म कर दिया था, जबकि आपको अच्छी तरह याद होगा ज्योति पिछला जो सेशन था उसमें सबसे बड़ी चर्चा इस बात की थी कि जो पहले रिजल्ट बताया गया और उसके बाद रिजल्ट के अंदर चेंज आया उसका कारण यह था कि बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स देके बच्चों को पास कर दिया गया था और शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने इसको खत्म कर दिया। लेकिन साहब ये जगह विषय रहा बहुत बड़ा, मंत्री जी से ही पूछ रहा था, आपको क्या लगता नहीं है कि नकल रोकने में भी जरूर एक बड़ा कदम तो उठाया था सरकार ने? देखिए कमल एक और चीज मैं बता देता हूँ, अभी क्या हुआ, अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया सार्थक स्कूल पंचकूला का। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि सरकार की तरफ से जरूर इस तरह का डिफेंस दिया जाएगा। जी जी जी। कारण ये है कि जो सार्थक स्कूल का जिक्र करते हैं इसमें कतई कोई शक नहीं है, मॉडल स्कूल है पंचकुला में और सार्थक के नाम से सरकारी मॉडल स्कूल जहां शिक्षा का स्तर बाकी सरकारी स्कूल के कंपेरेटिवली बेहतर है, मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन जब मैं पंचकुला जिले के थापली स्कूल की बात कर रहा था जहां 0% रिजल्ट था, जब मैं कोटी स्कूल की बात कर रहा था जहां मात्र उसका जिक्र मंत्री जी नहीं करते। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जो हालात है सरकारी स्कूलों के, क्या सरकारी स्कूल अंतिम विकल्प ही रहेंगे कि आर्थिक तौर पर जो लोग कमजोर हैं वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें? नहीं ज्योति, देखिए मिराकल की उम्मीद एक साल में, दो साल में, तीन साल में नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की जो नीयत है, हमारी सरकार की जो सोच है, उसका परिणाम जो है उसमें दिखने में थोड़ा समय लगेगा। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसे कहा कि नकल को हमने रोका, तो उस नकल के रोकने के कारण से विद्यार्थियों में जो ये बात आई कि हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, नकल के पास नकल तो हुई है, हमने तस्वीरें दूसरी बात जितनी नकल होती रही है उसकी तस्वीरें हमने दिखाई जी। देखिए देखिए ज्योति, दूसरी बात, इस सरकार ने जो अध्यापक की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है वो पूरे देश एक साल के रूप में ली जाती है। पहले अध्यापक सारा दिन अपने नेताओं के आगे पीछे और चंडीगढ़ में चक्कर मारते रहते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर दी है। अब अध्यापक वो आपकी सरकार की बेहतर हो जाएगा, काम है आपकी सरकार का बेहतर फैसला है, माना जाएगा। अध्यापक जो वो ज्यादा समय पढ़ाने में अब लगाता है ना कि पहले तो व्यापार था पिछली। संजय शर्मा जी एक सवाल ये भी उठता है कि इस नीयत से आप नीति में बदलाव ऐसा कर सकते हैं कि रिजल्ट पर जो है कुछ ना कुछ अच्छा असर देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि सब चीजों का मिश्रित परिणाम उस समय बाहर ही निकलेगा। अत्रे साहब, जो सरकार है जवाब तो वही देगी, जब विपक्ष इतने सालों तक रहा, पिछली पार्टियां इतने सालों तक रखी, तो पांच साल के अंदर जो सरकार रखेगी वो अपने परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी ले कम से कम। डेफिनेटली यही बात तो मैं कह रहा हूं कि सरकार बचने की कोशिश क्यों कर रही है, क्यों नहीं सरकार जिम्मेदारी ले रही है, चार साल हो गए हैं आपको। और जब सवाल ये आ जाता है कि आप जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर टीचर्स नहीं है, ये सरकार ने भी माना और सरकार मान भी रही है, लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आ जाता है कि स्कूल के अंदर अगर टीचर ही एक है और सब्जेक्ट जो है आपको पता है कि 7 या 8 सब्जेक्ट के करीब होते हैं, उस अकेले टीचर्स की बस की बात है कि वो 7 या 8 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा पाए? तो ऐसे हालात के अंदर शिक्षा का स्तर क्या रहेगा, इस बारे में सरकार जिक्र करना नहीं चाहती, चर्चा करना नहीं चाहती। और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी क्यों है इसके ऊपर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती? क्यों सरकार ये थी ये कमी, शिक्षक की भी कमी थी, रिजल्ट भी आपका कुछ अच्छा बेहतर नहीं था, आप अपनी सरकार जब उस समय थी उसको बचाने के लिए अब सरकार पर आरोप लगाते हैं, कोशिश तो सरकार कर रही है। सरकार के टाइम में जो टीचर्स की भर्ती की गई वो आज तक भी 4 साल में सरकार के पास इंप्लीमेंट नहीं की गई। JBT की भर्ती हुई उसमें मैक्सिमम टीचर्स आज भी हाई कोर्ट में। किस समय की सर आप हाई कोर्ट में, किस समय की थी आपने वो भर्ती? कांग्रेस की आपने वो 2006 में की थी, 2007 में की थी? नहीं नहीं, गैस टीचर्स की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद आप 2013 में किस तरह से छोड़ के गए, 2014 में किस तरह से छोड़ के गए? जो भर्ती हमने की थी वो भी नहीं आज तक ज्वाइन कराया पाए, ये पूरा वो सारे हाई कोर्ट में चले गए टीचर, तो टीचर की कमी तो रहेगी इसमें, टीचर कहाँ जाएंगे? राजेंद्र जी आपसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं पढ़ते तो हैं, कोशिश तो करते ही होंगे, आजकल जागरूकता भी ज्यादा है बच्चों में ऐसा नहीं है, लेकिन वजह जो अगर पॉइंट टू पॉइंट देखे वो क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए पढ़ाने का एक तरीका भी है, एक सिस्टम भी है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अच्छे परिणाम क्यों लेके आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में एक सिस्टम है कि उनका वैल्यूएशन होता है मंथली और ट्राई मंथली उनका वैल्यूएशन होता है,
और टीचर पेरेंट्स मीट होती है, क्या सरकारी स्कूलों में सिस्टम है कि वो बताते हैं बुला के पेरेंट्स को कि आखिर में आपका बच्चा किस लेवल पर चल रहा है। पूरा जो है एनुअल एग्जाम में ही जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है और इसके बाद रिजल्ट आता है, इसके बाद सरकार जो है मतलब सिर पीटती है कि हम जो है कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाबी के तरीके जो प्राइवेट स्कूलों से सीखना चाहिए ना, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों को तो बढ़ने का मौका दे रहे हैं, सरकारी स्कूल लगातार फेल हो रहे हैं, उनको मर्ज करना पड़ रहा है, उनको बंद करना पड़ रहा है। देखने को मिलता भी है संजय जी, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में भी पॉलिसी में तो आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। मंथली पेपर लेना 2015 के बाद आप देखोगे कि हर महीने पेपर लिए जाते हैं, विद्यार्थी के आसन करने में और विद्यार्थी को खुद पढ़ने में उसको असुविधा होती है, उसको लगता है कि मैं ताप रख रहा हूँ। ऐसे ही हमने डायरी व्यवस्था, अध्यापक की डायरी लगे उसमें अपनी सारी बातों को नोट करे, जिसके कारण से चलिए ठीक है सरकार का पक्ष जाना भी जानेंगे। अत्रे साहब आपके पास भी आएंगे, अभी फिलहाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज कम आ रही है मैडम, बिल्कुल ही कम आ रही है। सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा सा सुनाई दिया। जो दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम है, आपको क्या लगता है कि कारण क्या रह जाती है, पीछे कहां कमी रह जाती है? कमी तो अध्यापक की है, जो जिस बालक को पढ़ा रहा है वो ये मान ले कि ये मेरा अपना बच्चा है तो उसका निश्चित रूप से परिणाम सुधरेगा। और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूल 69% तक मैं भी कवर करता हूँ तो सरकारी स्कूल आगे है, 69 के बाद सरकारी स्कूल पीछे चले जाते हैं। तो लेकिन पहले 0 ही आ रहा था सरकारी स्कूल का, कम से कम 69 तक लेके गए। ये टीचर बधाई की बात रहे। इसलिए डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि सुधार हुआ है पहले से, ये कह रहे हैं? जो मैंने डाटा कंपेयर किया है सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल का जी, उसका कंपैरिजन में आया 69 मार्क तक तो सरकारी स्कूल आगे है, प्राइवेट स्कूल पीछे है जी। कब से कब तक का डाटा आपने कंपेयर किया बता सकते हैं? तो वहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होता है और 80-85 के आसपास जाकर काफी कम हो जाता है। देखिये मैं एक बार जाना चाहूंगा, मैं अगर बात करता हूँ 2003-2004 की, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर 40 बच्चे जाते थे तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 60 बच्चे जाते थे, ये अनुपात रहता था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का। लेकिन आज जो है ये अनुपात रिवर्स हो गया है, अब प्राइवेट स्कूल में 60 बच्चे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में 40 जा रहे हैं। क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है और प्राइवेट में बढ़ रही है? जो हमारी आरटी के अंदर फेल ना करने की नीति आई उस कारण से सरकारी स्कूलों का रुझान खत्म हो गया और प्राइवेट स्कूलों का रुझान बढ़ गया। लेकिन अब की बार आप देखिए, अब की बार 50,000 विद्यार्थी, पिछले साल 3,15,000 थे, इसके बार 3,69,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है। देखिए ये तो ये जो आपका आंकड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर साल बच्चों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, तो ये आप जो अनुपात है मैं बात कर रहा हूँ, अनुपात की आज भी अनुपात 40 और 60 का है, किसी राजनीति की नहीं कर रहा। पिछले 5 साल का डाटा उठा लीजिए, संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन इस बार धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में टेस्ट होने लग गए हैं, उनके मंथली टेस्ट होने लगे हैं, सेशनल टेस्ट होने लगे हैं, बदलाव तो रिजल्ट में ही सामने आना चाहिए। हाँ। ये इस तरह से कह देने मात्र से काम नहीं चलता। कभी भी जो है चुनाव परिणाम, सरकार ने कैसे काम किया तो चुनाव परिणाम, छात्रों ने पढ़ाई कैसी की, कैसे उन्हें पढ़ाया गया तो परीक्षा परिणाम, परिणाम के अलावा आप दावे करते रहिए उसका मतलब क्या है? मुझे तो इसमें कोई कितना पढ़ाया गया, कितना सारांश नजर नहीं आता, कितना किए जाने की जरूरत है, हर साल ही सामने आ जाता है। चर्चा करेंगे, सवाल कई हैं लेकिन ब्रेक के उस पार ही चर्चा करेंगे कि कितना काम किए जाने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते रहूंगे। तो शिक्षा के स्तर की हम बात कर रहे हैं, लगातार गिरता जा रहा था, फिर उठा, फिर गिर रहा है, लेकिन बढ़ भी रहा है तो कछुए की चाल से। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी हैं, फोन लाइन पर संजय शर्मा जी हैं, राकेश जी आपके पास आना चाहेंगे। आपकी सरकार की बात करें तो क्या क्या पॉलिसी आपकी ऐसी थी जिससे कि बढ़ावा मिले शिक्षा को, और आपको भी मालूम है कि कमियां उस दौरान भी थी, लेकिन आप जिस तरह से अब आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है सरकार पर, क्योंकि कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं सरकार, एक कदम तो बढ़ा रही है क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें बढ़ावा तो 6.6 हो रहा है। मैं मानता हूं कि उस टाइम भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी, मानते हैं आप। लेकिन आज की सरकार में जो कमियां हैं
उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं विद्यार्थियों के लिए। आज कंप्यूटर टीचर हड़ताल पर हैं, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। कल लेक्चर आज हड़ताल पर चले जाएंगे। जब जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, जब वो हड़ताल पर चले जाएंगे तो बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या होगा ये आप भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, हमारी सरकार के टाइम में शिक्षकों के लिए जो फैसिलिटी थी, चाहे हाउस रेंट की थी चाहे मेडिकल की थी, जो हमने दिया, जो हमारी सरकार ने लागू किया, आज भी शिक्षक पिछले 5 साल 6 साल से उसी हाउस रेंट पे, उसी मेडिकल फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले इस सरकार ने कैबिनेट में एक डिसीजन लिया, इनके जो हाउस रेंट है, मेडिकल फैसिलिटी, इनको हम बढ़ाएं, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ। संजीव शर्मा, जब शिक्षक ही सेटिस्फाई नहीं है सरकार से, तो रिजल्ट क्या रहे? आप अगर सुन सकते हैं तो, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि शिक्षक ही संतुष्ट नहीं है आपके सरकार में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो राकेश जी जो बातें कह रहे हैं इसमें से ज्यादातर कारण वही हैं जो हम बार बार दोहराते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक की जो इनकी पॉलिसी रही है, जिस तरह से इन्होंने बैकडोर से और जिस तरह से बिना नियमों के आधार पर लोगों को भर्ती किया, उनकी कोई सेवा शर्तें भी तय नहीं की, केवल ठेके के आधार पर लोगों को भर्ती करना, केवल अपने लोगों को एडजस्ट करना, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज सब लोग सड़कों पे हैं। हमने बहुत सी चीजों को सुधारने, आपकी सरकार ने क्या फैसला लिया उसमें 4 साल में? मैं बता रहा हूँ, उसके कारण से जब हम उन किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो व्यवस्था की, तो कुछ लोग कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से कोर्ट का बीच में मामला आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, देखिए, नई शिक्षा नीति बनाने की बात की है, जिसमें शिक्षाविदों को लिया है, अध्यापकों को लिया है, समाज के एनजीओस के भी सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा हमने केवल मात्र पढ़ाई की तरफ तो व्यवस्थाएं ठीक की है, लेकिन हर विद्यालय में लड़कियों के लिए अलग बात आ जाती है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? सरकार में आएंगे आपके पास, अत्र साहब वही बात, पूरे प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर भरते जा रहे हैं, यही बात बार बार सामने आती है। नहीं कमल, बड़ा अजीब तर्क है। देखिए, मैं इस तर्क से ना, मुझे तो ये हास्यास्पद तर्क लगा और मैं तो कहूंगा ये कुतर्क है। एक तरफ तो संजय जी ये बात कह रहे हैं कि आपने बैकडोर से लगाए, बैकडोर से एंट्री करवाई, दूसरी तरफ इन्हीं के तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी उन गेस्ट टीचर्स को जाके ये वायदा करके आते हैं कि पहली कलम से आपको पक्का कर देंगे, तो आप रामविलास जी ने ये वायदा क्यों किया था? अगर आपको पता था कि इनकी अपॉइंटमेंट गलत है, बैकडोर से एंट्री है, जैसा कि आप कह रहे हैं अभी, जैसे संजय जी ने कहा, तो फिर रामविलास जी ने ये वायदा क्यों किया था? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तर्क जो है ये तो हास्यास्पद तर्क है, इस तर्क में कुछ तरह का कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी जैसे कंप्यूटर टीचर्स की बात हुई, हैरानी इस बात की है कि जो कल कंप्यूटर टीचर दोबारा हड़ताल करेंगे, उनका जो लॉजिक या कारण कहिए, कारण ये है कि 5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने उनसे वायदा किया था कि आपको बढ़ा के सैलरी दी जाएगी, और 5 महीने से वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है वर्तमान सरकार, क्योंकि अगर संवेदनशीलता होती तो मुख्यमंत्री जी का किया वायदा पूरा हो जाता, अगर वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे होते। जवाब दीजिए, कभी नवनियुक्त जेबीटी, कभी गैस टीचर्स है, कभी कंप्यूटर टीचर्स है, ये लोग सड़कों पर रखेंगे तो आपके स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? देखिए ज्योति, अभी जो प्रवीण अत्रे जी गेस्ट टीचर्स के बारे में या उनके बारे में कह रहे थे, ये लगभग फाइनल स्टेज पर है, कुछ कोर्ट की टेक्निकल दिक्कतें हैं उसके कारण से कुछ चीजें अटकी हुई हैं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कंप्यूटर टीचर वाली कही है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वो घोषणा अक्षरशः है, पहली जनवरी से ही उनकी टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को जो बढ़ा हुआ वेतन है वो मिलेगा, उसके लिए लगभग फाइनल स्टेज पर चीजें हैं। रही बात कि इन व्यवस्थाओं की करने की बात या पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात, देखिए हमने केवल मात्र जो शिक्षा है उसको ही बढ़ावा नहीं दे रहे, हम नैतिक शिक्षा की ओर भी बच्चों का ध्यान कर रहे हैं। आपको पता है कि आज समाज में कितनी गिरावट आ गई है, नैतिक गिरावट आ गई है, उसका परिणाम यही है कि आप लोग गायत्री भी पढ़ा रहे हैं, गीता को भी शामिल किया जाए, आप लोगों की प्राथमिकता में है गीता का गायत्री, ठीक है, वो नैतिकता भी पढ़ाई जानी चाहिए, वो भी जरूरी है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैम खोल रहे हैं, उसमें आरएसएससी क्लासेस भी लगानी जरूरी है। जाधवन साहब, देखिए दिक्कत ये है, कहीं इमारतें नहीं है, इमारतें मिल गई टीचर्स नहीं मिलेंगे, टीचर्स मिल भी गए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षक का स्तर होना चाहिए, और जो नैतिकता ये छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं वो नैतिकता टीचर को पढ़ाई जानी चाहिए कि आखिर में वो इतनी मोटी सैलरी लेकर उसको नियुक्त किया गया है। ये अगर ट्रांसफर की पॉलिसी की बात करते हैं, हमने ऑनलाइन बना दी, अरे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तो शिक्षक की सुख सुविधा है, उससे छात्रों का क्या फायदा होने वाला है? नहीं, वो चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने, इनका लॉजिक ये है कि वो चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने होंगे उनको, ये थोड़ी आसानी ठीक है, लेकिन
यह है कि शिक्षक जो है कार्यनिष्ठ नहीं है, ये तो बताना चाहिए कि तीन साल में रिजल्ट इतना पुअर जा रहा है, तो इन्होंने जवाब को जिम्मेदार बनाने के लिए क्या स्टेप लिए, क्या एक्शन लिए? जवाबदेही होनी चाहिए शिक्षकों की भी। आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं राजेंद्र जी, शिक्षकों की जवाबदेही होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही जांचने के लिए यही एक पैरामीटर है कि उनके स्कूल का क्या रिजल्ट रहा, वो देखा जाना, और रिजल्ट पर्याप्त नहीं है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, क्या उनकी वेतन वृद्धियां रोकी गई, क्या उनके मनचाहे ट्रांसफर रोके गए? भर्तियों को लेकर कई बार मंत्री जी कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां की हैं शिक्षा विभाग में, फिर टीचर्स की कमी भी अभी भी बरकरार। देखिए, अगर भर्ती की होती जो होती तो संजय जी यहाँ मानते थोड़े कि यहाँ टीचरों की कमी है। संजय जी ने खुद एडमिट किया और सभी जानते हैं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी है। नहीं, क्या? अच्छा, चलिए अब एक दोबारा पूछ लेता हूँ संजय जी, क्या शिक्षा विभाग के अंदर अध्यापकों की कमी नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ अध्यापकों का कुछ अंतर हो सकता जी, है, शिक्षा विभाग, लेकिन मैंने ये कहा, आपका जवाब देखिए संजय जी मैंने तो केवल आपसे सवाल पूछा था, टाइम मेरा था, मुझे बोल लेने दीजिए, अब आप मुझे बोल लेने दीजिए, टाइम मेरा था, मैंने सवाल पूछा था आपसे, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी है और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि आज शिक्षा के लचर हालात है। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि आज ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं है, ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास बेंचेस नहीं है, और जहां बेंचेस सरकार के द्वारा खरीदे गए उसमें घोटाला किया गया, ये आपके विधायक ने ही आरोप लगाया था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके गुड़गावा के विधायक ने कहा था कि बेंचेस के खरीद में घोटाला हुआ है, आपके विधायक का क्या हुआ, लगाया हुआ आरोप है आपके ऊपर संजय जी, आपकी सरकार पर, आपके विधायक पर बढ़ा रहा हूं, इनके विधायक ने गुड़गावा के लिए आरोप लगाया था कि बेंचेस खरीद में घोटाला, जी हां, विधायक की ओर से इनके विधायक ने आरोप लगाया था, ये आपके विधायक ने आरोप लगाया, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोप के आधार पर कोई प्रमाण उन्होंने दिया क्या? ये तो अपने विधायक से पूछिए कि उसने, आपने उसको मैनेज कर लिया होगा, उसने आरोप तो लगा दिया, बाद में क्या हो सकता है, आपकी पार्टी का विधायक है, आपने मैनेज कर लिया होगा। सुनिए एक बार के लिए, साफ कर लीजिए इस बात को, चूंकि आपकी पार्टी के ही विधायक आरोप लगाते हैं, क्या उसके लिए भी सबूतों के लिए आप पैनल पर कहेंगे? आपकी ही सरकार है, आपकी ही पार्टी के विधायक है, आप पर ही मैं कह रहा हूं कि किसी गलत फहमी के कारण से अगर किसी विधायक ने कोई आरोप लगा दिया, कोई गलत सूचना के आधार पर किसी ने आरोप लगा दिया, लेकिन उस आरोप के आधार पर कोई प्रमाणित बात तो कहीं पर नहीं आई है। आज जो हर स्कूल के अंदर हर बच्चे के लिए डेस्क उपलब्ध हमारी सरकार ने कराया है, ये बात मैंने दावे के साथ की। दूसरी बात जो बात कह रहे हैं कि जब बच्चे के ऊपर एक अध्यापक उपलब्ध है तो अध्यापकों की कमी कहां है? वो मैं सैंक्शन पोस्टों का केस कह रहा हूँ कि सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट ऐसा दिखाई देता है कि अध्यापकों की कमी है, लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर आप देखें, विद्यालयों के हिसाब से अगर आप देखें, तो अध्यापकों की कहीं पर भी हरियाणा 35,000 अध्यापकों की कमी इस वक्त शिक्षा विभाग में है, ये रिकॉर्ड बताता है। और दूसरी बात, जिस विधायक का जिक्र कर रहे हैं, देखिए इन्हीं के एक विधायक ने विधानसभा में, जो अंबाला शहर से विधायक है, उन्होंने विधानसभा में ये आरोप लगाया कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अंबाला शहर के अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं देते। इन्हीं के जो विधायक है जो गुड़गावा से, उन्होंने आरोप लगाया कि जो बिजली के मीटर खरीदे गए हैं उसमें घोटाला हुआ। अब ये उनसे सबूत मांगेंगे? सर, बात शिक्षा की हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। जादौन साहब, आप ये बताइए कि ग्रामीण जो इलाके हैं उनके बच्चे बेहतर कर रहे हैं, 12वीं के परीक्षा परिणाम की बात कर ली जाए, 10वीं के जो परीक्षा परिणाम आए हैं वो भी बेहतर हैं, उसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि उनके अभिभावक बहुत काफी जागरूक हैं, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ और तरीके अपना रहे हैं, स्कूल के भरोसे पढ़ाइयां नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो कोई ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं, कोई प्राइवेट टीचर्स के पास भेज रहे हैं और कुछ और तरीके अपना रहे हैं, इस ये कारण है। नहीं तो शहरी स्कूलों में जहां तमाम सुविधाएं, तमाम जागरूकता, तमाम जो है वो प्रचार साधन सामग्री है, सब कुछ है, और वहाँ इस तरह की गिरावट क्यों आ रही है? जबकि लोगों की नज़र में शहर के स्कूल रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों की नज़र भी नहीं होती, तमाम पॉलिटिकल लोगों की नज़र में भी होते हैं शहर के स्कूल, तो ऐसी स्थिति में बड़ी सोचनीय स्थिति है। अब आप देखिए, गेस्ट टीचर का एक उदाहरण है की जरूरत है हमें आज, कि गेस्ट टीचर का जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तो एक जज ने गेस्ट टीचर का इंटरव्यू ले डाला, तो वो सही सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो गेस्ट टीचर अगर लगे हुए हैं तो उनके पढ़ाने का स्तर क्या है, उनका खुद का कुछ नॉलेज उनके पास नहीं है, बहुत देर से वो क्या पढ़ा चाहते हैं कुछ। अभी अभी संजय जी ने कहा कि हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ठीक, ये ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर अपनी पीठ को थपथपाने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको भी, अगर एक अध्यापक अपने गाँव में या गाँव से 5 किलोमीटर के एरिया में पढ़ाता है, ठीक है, उसकी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है जवाब देना लोगों को, और एक अध्यापक को 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर में ट्रांसफर कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा जिम्मेवारी अपनी समझेगा इस चीज को, रिजल्ट का माने पे मेरा जिम्मेवारी बनेगी। राकेश शर्मा जी, क्या तर्क हो सकता है? जिम्मेदारी तो एक शिक्षक के नाते समझने की जरूरत है।
नहीं ट्रांसफर पॉलिसी बना के जो इन्होंने अपनी पीठ थपाई ना, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। अभी अगर गांव में कोई टीचर आपको लगता है कि आसपास में ही पढ़ाते रहते हैं, दूर ना, उसमें ज्यादा जिम्मेवारी बनती है उनकी। संजय शर्मा जी, आपसे ये भी सवाल है, आपने मेवात जो कि नूह नाम हो चुका है मेवात का, उस जिले की बात करें, पिछड़ेपन में भी वो अव्वल आता है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, हालांकि अभी का मालूम नहीं है कि वो कितने नंबर पे है, लेकिन अगर रिजल्ट में देखे तो उसमें भी फिसड्डी है सर, सबसे नीचे है, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं वो कह रहा हूँ कि कोई जादू की अपेक्षा करना कि सरकार एकदम को छड़ी को मार दे कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तब कैसे आप कहते हैं सरकार से, जो सरकार सत्ता में होती है उससे कैसे अपेक्षा करते हैं आप, तब भी यही कहते हैं क्या? नहीं, हमने जो व्यवस्थाएं की है उसका परिणाम पीछे से बेहतर दिख रहा है, तो 2019 का जो परीक्षा परिणाम आएगा उसमें आपको और बेहतर दिखाई देगा। सर कहाँ बेहतर दिख रहा है, 2011 की बात कर रहे हैं। मेरे पास पंचकुला जिले के बरोड़ा ब्लॉक की लिस्ट है, ये परिणाम था 2018 में हम आ चुके हैं। मेरे पास पंचकुला जिले के बरोड़ा ब्लॉक की लिस्ट है ये, जिसमें रिजल्ट है बुंगा गांव में 21%, जलौली में 29%, रामगढ़ में 35%, खटौली में 26%, कोट में 47%, ये पंचकुला जिले की बात है, ये भी मेवात बन गया यहाँ भी। चलिए आप अपने टाइम के भी आप लाते हैं, काश किससे बेहतर थे। देखिए ऐसा संजय जी अभी ने एक बात कही कि जादू की उम्मीद तो खैर नहीं करनी चाहिए, मैं भी संजय जी आपकी बात से सहमत हूँ कि जादू की उम्मीद तो खैर हम भी नहीं करते, लेकिन क्या चार साल में प्रदेश की जनता, अभिभावक और बच्चे ये उम्मीद भी ना करें कि उनको हर सब्जेक्ट का टीचर मिलेगा? क्या वो ये उम्मीद भी ना करें कि स्कूल में उनके सर पे छत भी होगी? क्या वो ये उम्मीद भी ना करें कि उनके बैठने के लिए बेंच होंगे? क्या वो ये उम्मीद भी ना करें कि उनके लिए पीने के पानी की सुविधा होगी? क्या वो ये उम्मीद भी ना करें कि स्कूल में खेलने का सामान और ग्राउंड भी होगा? अगर ये उम्मीद भी ना करें तो संजय जी फिर आपसे क्या उम्मीद करें ये बता दीजिए। बिल्कुल, सवाल बड़ा है, संजय शर्मा जी बात का जवाब दीजिए कि जिम्मेदारी तो सरकार की ही होगी ना सर? सुनिए, ऐसा नहीं है, हमने हमारी सरकार आने के बाद बहुत सी चीजों को बेहतर किया है। स्कूलों की बिल्डिंग्स को हमने पहले से बेहतर किया। शिक्षकों की कमी है कि नहीं? इमारतों के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं कि नहीं? बिजली और पानी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए लग्जरी के जैसा है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे वहां बिजली पानी शौचालय की सुविधा होगी या फिर नहीं? तो जो आधारभूत जरूरत है उसके लिए सरकार से सवाल पूछे, सरकार कहेगी जादू नहीं हमारे पास? मैं कह रहा हूँ ज्योति कि हमने हर विद्यालय के अंदर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था कर दी। वो पहले भी थे आपकी सरकार से, पहले भी थे वो? नहीं थे ना, पहले भी थे आपकी सरकार से। आपकी सरकार के समय तो इसको ध्यान ही नहीं दिया गया। आपकी सरकार के समय के हालात जो थे वो सब लोग चलने में तो नंबर वन, इसका तो आप कह सकते हैं। ये 2014 से पहले और 2014 के बाद पानी के पीने की व्यवस्था की जहाँ बात है, हमने आरओ सिस्टम भी अब विद्यालयों में लगाने शुरू कर दिए हैं। हमने हर विद्यालय के अंदर सोलर लाइट सिस्टम हो इसकी व्यवस्था भी शुरू कर दी है। कहाँ की है? चीजें पाइपलाइन में है। कहाँ की है? संजय जी आप एक बात, आप एक जवाब दे दीजिए, आपने कौन कौन से स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई, आप यहाँ पे उस गांव का नाम बता दीजिए। पांच स्कूलों का नाम बता दीजिए जिसकी बिल्डिंग आपने नई बनाई है। देखिए प्रवीण जी, मैं 10 स्कूल आपको कल मेरे साथ चले, मैं आपको सारे दिखा दूंगा। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ साहब, जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए भी ऐसा है, चर्चा जो है वो चर्चा होती है तथ्यों पे, झूठ पे चर्चा नहीं हो सकती। आप चर्चा कीजिए तथ्यों पे, झूठ ना बोलिए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो सब लोग उस बात का जवाब देते हैं। आज बेहतर व्यवस्था हरियाणा की सरकार ने की है और आने वाले समय में और बेहतरी की ओर हम इसको लेकर जाएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। जादौन साहब, सरकारी स्कूलों से जितनी अपेक्षा की जाती है टैक्स पेइंग जो पब्लिक है कि शिक्षा अच्छी मिलेगी, वो नहीं मिल पाती है, क्या ये भी कारण है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ी है? यही कारण है, जो शिक्षा पद्धति प्राइवेट स्कूलों की है उसको पसंद करते हैं अभिभावक और वो वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराना पसंद करते हैं, तो सरकारी स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं उस कंपटीशन में। आज प्राइवेट स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की बात चल रही है, इनके यहाँ जो टीचर नहीं है, कहीं कोई और जो आधारभूत सुविधाएं नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में ये है कि वो फीस तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन वो उस लेवल पर शिक्षा को एक ऊंचे लेवल पर ले जा रहे हैं और शिक्षा का तरीका जो है, उनकी जो पढ़ाई का तरीका है वो इतना इफेक्टिव है। जो टीचर्स हैं उनकी बात की थी, कोशिश तो सरकार ने की थी, जो मोबाइल फोन है वो भी बाहर रखवाने की बात कही गई थी, आपने सुना भी होगा, खबरें भी सामने आई थी कि मोबाइल फोन है वो क्लासरूम में अंदर ले जाना भी मनाही थी उसकी।
देखिए वो मोबाइल फोन नहीं ले जाना उससे कितना फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये है कि टीचर के पढ़ाने के तरीके और सुविधाएं और पूरा सिस्टम जो है जो बनना चाहिए वो सरकारी स्कूलों में नहीं बन रहा है। संजय शर्मा जी, अब निजी स्कूलों पर हम आए हैं, कितनी मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं कि मनमानी ना चले, फीस जिस तरह से बढ़ाई जाती है, अभिभावक कमोबेश रोजाना की सड़कों पर होते हैं कि जिस तरह से फीस बढ़ाई जाती है, मनमानी की जाती है निजी स्कूलों की ओर से? देखिए उन सबके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है हर विद्यालय के लिए कि कोई भी विद्यालय जितनी तय फीस है उससे फालतू नहीं लेगा। जहां से भी इस तरह की शिकायत आई है सरकार ने उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की है, उन विद्यालयों में व्यवस्थाएं अच्छी हों इसके लिए एडवाइजरी। ज्योति, मुझे आज भी याद है मुख्यमंत्री जी से करनाल में अभिभावक संघ मिलने गया था और उस वक्त उनका मुद्दा यही था कि प्राइवेट स्कूल में 134 के बदले जो एडमिशन है उन एडमिशन में दिक्कत आ रही थी और फीस की, तो मुझे आज भी याद है मुख्यमंत्री जी ने उनको ये सलाह दी थी कि आप उनसे जाके कंप्रोमाइज कर लीजिए, आपस में बैठ के सेटल कर लीजिए। अब समझ लीजिए कितनी संजीदगी है, कितनी संजीदा है शिक्षा के प्रति, कितनी संजीदा है बच्चों के प्रति, यहाँ से स्पष्ट समझ में आ जाता है। चलिए शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो शिक्षा जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है या बढ़ रहा है, ये आंकड़ों की बात है, रिजल्ट सामने सब कुछ कह देता है। अब की बार का रिजल्ट भी यही कहता नजर आता है, आगे आने वाले समय में किस तरह का जो है परिणाम रहने वाला है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल सरकार जो कोशिश करती है। नमस्कार।